अंतिम रागनी है कि भगवान ने कैसे कैसे भात भरा था और क्या क्या भात में दिया था। आप सभी ने ये किस्सा खूब सुना है, तो बिल्कुल निचोड़ की रागनी आपको सुना रही हूँ। कैसा कैसा भात भरा गया था और क्या क्या भात में दिया गया था। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, भगवान तो आते हैं लेकिन हम भगवान को बुलाते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि भगवान आते नहीं है। तो नरसी की लाज रखी और क्या क्या भात में दिया, आइए सुनेंगे तोड़ की रागनी और जम के बजाते लाओ गुरु जी की। और आइए कैसे भात भरा था, बहुत तगड़ी रागनी है, एक एक शब्द सुनने वाला, आइएगा। इकट्ठे होके देखें पहली बात मैं सुनेगा कभी नहीं गए लिख दिया को दखनी चीर उठाया था और हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था और रथ में देख हाथ श्याम ने वो मनसा सेठ बुलाया था। रथ में देख हाथ श्याम ने मनसा सेठ बुलाया था और जो सामान संभाल रे लगे हर नंदी का भात भरण
लेना आप संभाल। क्या क्या दिया था श्रोताओं, कि रामा जो देवती थी नरसी जी की भारी हो गई भीड़ वहां पे, जिक्रा हर नर नारी का, और क्या बाबा जी बात करेगा बोता भागे बिचारी का, और किया आरता हर नंदी ने नरसी और मुरारी का। आरता करने के लिए दरवाजे पे खड़ी हुई है हर नंदी, और भगवान भात में क्या क्या सामान दे रहे हैं दूसरी बात में कह दिया। और रामा देवती नरसी जी की शादी का श्रृंगार दिया, और बिछवे वाली अजब निराली गहना करके प्यार दिया, और कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया। गोला मिश्री दाख छुआरे सब 25 मन तोले दिए, और गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोल दिए, और काजू और अखरोट संभालो जो मन साथ न बोल दिए। और 25 मन मेहंदी ले लियो रे, 25 मन मेहंदी ले लियो हमें जाना से तत्काल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंद लाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंद लाल। क्या कर रहे हो, मन सोना दे दिया तीहर रेशमी कई हजार, मिर्च मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार, और नरसी को भई नरसी को एर नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतड़ा रे सब नर नार, धागे सुई ले लियो तुम न्यू कृष्ण जी फरमाए, सुरमा शाही देके ने वहां नेग जोग सब निमटाए, अरे सोने के तो पत्थर लियो जो बड़ी समतन ने मंगे वाए, सोने के जिस मन चावल दे दिए हे रे 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 रे, हाँ 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल रे, लगे हर नंदी का भात भरण नंद लाल, लगे हर नंदी का भात भरण नंद लाल। क्या बात है, आदरणीय रतन सिंह रावल साहब एडवोकेट
जो विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है, उन्होंने 500 रुपए देकर के इस रागनी पर फिर सम्मान बढ़ाया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके आशीर्वाद से हमें आपके बीच में उपस्थिति देने का सौभाग्य मिला। और हमारे भाई विजय सांदड़िया जी, जी हाँ भाई विजय सांदड़िया जी, जिनकी टीम हमसे भी पहले यहाँ पर मंच के ऊपर आपके बीच में अपने प्रोग्राम की प्रस्तुति दे रही, उनकी तरफ से भी 200 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया गया। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। कैसे भला और हमारे परम आदरणीय माननीय विजेंद्र सिंह आटा जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने लाखों रुपए का दान गौशाला में दिया और कई हजार रुपए से कलाकारों का सम्मान बढ़ाया, उन्होंने इस रागनी पर खुश होकर के 1000 रुपए प्रियंका चौधरी जी आपके लिए और 1000 रुपए जयवीर भाटी के लिए, हम दोनों कलाकारों के लिए विशेष तौर पर अलग से दिए। हम दोनों ही दान कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं, दान कर दो। हाँ दान में ही है, ये भी दान ही दिया गया है, गौशाला को दान कर। ये कह रहे हैं कि अगर हमारा दान स्वीकार ना करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये सोच होगी कि भाई हमारे दान से कोई जो बचाव नहीं, नहीं, मुझे पता है तुम्हारा दिल इतना बड़ा नहीं है, मैं तैयार हूं तुम दिन। मेरा दिल बहुत बड़ा है लेकिन आपका दिल और भी बहुत बड़ा है। मेरा तो बहुत बड़ा है। बार बार धन्यवाद करते हैं साथियों। बहुत सुंदर ये रागनी नरसी भात के किस्से की चल रही, एक बार जोशीली ताड़ियों से अपना आशीर्वाद आप भी देते हैं। जोरदार ताड़ी आपकी तरफ से हो जाए। कैसे बोला साथियों, क्योंकि जब चिट्ठी लिखी जा रही थी तो मनसमल सेठ ने चिट्ठी में धनमाल यानी कि जो भी चीज मुख पर आई, 25 मण ये लिख दो, 40 मण वो लिख दो, फलाना लिख दो, ढिकड़ा लिख दो, क्योंकि ये थोड़ी पता था कि नरसी आएगा और ये सामान लेकर के आएगा। लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज की लीला फिरी, वो कन्हैया आज अपने भगत नरसी का मान रखने के लिए आज हर नंदी के भांति बन करके आ गए हैं। स्वर्ण जड़ित रथ हैं, पर्दे लगे हुए हैं रथ के अंदर, जिस सामान का नाम लेते हैं वही सामान रथ के अंदर से निकल कर के आ जाता है। मनसमल सेठ के घर में रखने को जगह नहीं रही, नीची नाड़ झुका ली और लाचार हो गया। अंतिम कली के माध्यम से कवि ने और भी क्या वर्णन किया, कैसे श्री कृष्ण की लीला दिखाते भला। अनोखा दिया नरसी ने, बात अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिरसा गढ़ हर सिया, जब ऊपर को करी नजर शाम ने तो सवा पहर सोना बरसिया, ऊपर को करी नजर शाम ने सवा पहर सोना बरसा। अरे सोना कोई सके रे घर पे, सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके घाट, पणिहारी पण घट पे सके रे, बणिया लोग सके रे हाट, एक धोपी सोचे घाट सके रू सबसे दूने हो जा ठाट, धोपी सोचे जब सोने की वर्षा होने लगी तो एक धोपी ये सोच करके कि जब सोना बरस रहा है तो तू घाट पे चल, घाट का सोना ले लेना, घर का तो सोना घर में रह जाएगा। लेकिन सोना बरसते टाइम एक धोबी क्यों रह गया, उसके लिए भी एक बताया गया है वर्णन, थोड़ा सा बताया है कि जिस समय नरसी भगत सिरसागढ़ के पास में आए थे तो एक धोबी धोबन के साथ में घाट पर वस्त्र धो रहा था। नरसी भगत कहते भाई हमारी अल्फी मैली हो रही है, इसको भी धो दे। तो पूछा कौन हो तुम कि हम मन समल के भाती हैं, तो वो अल्फी फेंक के मारी जा, लेने को न देने को कुछ तेरे पास में, तेरी अल्फी धो दूं साफ कर दूं जा। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने उसी समय निश्चय कर लिया था कि भात तो भरना है लेकिन धोबी को सबक जरूर सिखाना है। इसलिए जो भक्तों का अपमान करते हैं भगवान उनका कभी सम्मान नहीं होने देते, उसलिए धोबी घाट की तरफ चला। धोपी सोच घाट सके रू सबसे दूर हो जा ठाट, धोपी सोच घाट सके रू सबसे दूर हो जा ठाट। अरे
और घाट मिले खाली, घर और घाट मिले खाली, जय